हेलो स्कॉलर्स, मैं हूँ मोहिनी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में, मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक है, इसमें अनेक विषयों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कि एक है शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन। तो हम ये कोशिश करते हैं कि शिक्षा से संबंधित जो भी वातावरण है उसको इतना उन्नत बना दिया जाए, एक इस प्रकार का वातावरण बनाया जाए जिसमें कि शिक्षक विद्यार्थी को बहुत ही उचित ढंग से शिक्षा प्रदान कर सके, उसके शिक्षा प्रदान करने के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके, और अगर कोई बाधा उत्पन्न हो भी रही है तो उसको दूर करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। इसके लिए कुछ दशाएँ होती हैं या कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, जैसे कि विद्यालय का वातावरण, विद्यालय के वातावरण में सुधार किया जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि वो बच्चों की शिक्षा में बाधा तो नहीं बन रहा है। इसके अलावा विद्यालय का जो कक्षा कक्ष है यानी कि क्लासरूम है वो किस प्रकार के हैं, वो ठीक हैं या नहीं हैं, वहाँ का खेलकूद के जो मैदान हैं यानी कि प्लेग्राउंड हैं वो ठीक प्रकार से हैं या नहीं। इसके अलावा जो अदर सुविधाएं होती हैं जैसे कि लाइटिंग की व्यवस्था कक्षाओं में प्रॉपर है या नहीं, वहाँ का फर्नीचर सूटेबल है या नहीं बच्चों के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बच्चों की शिक्षा को अफेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिससे कि इन चीज़ों में सुधार किया जा सके और इनको बालक की शिक्षा के अनुरूप बनाया जा सके। ठीक, नेक्स्ट है बालक के विकास का अध्ययन। अब विकास कई प्रकार का होता है, जैसे कि मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक, ठीक है, और शारीरिक। तो ये सारे विकास जो हैं इन सब विकासों का अध्ययन हम किस में करते हैं? मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है स्कॉलर्स, तो ये जितने भी विकास हैं सभी प्रकार को हम किस में पढ़ते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत बारीकी से इनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बालक की जो स्टेजेस होती हैं विकास की, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि शैशवावस्था, उसके बाद आती है बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, फिर युवावस्था और उसके बाद प्रौढ़ावस्था। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बच्चों की जो विकास की अवस्थाएं हैं उनको अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया है, यानी कि अलग अलग प्रकार से विभाजित किया है। किसी ने 4 स्टेजेस बताई हैं, किसी ने 5, तो किसी ने 6, और किसी किसी ने सिर्फ एक ही स्टेज को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मेन जो स्टेजेस हैं वो तो यही हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़वस्था। जो जनरल कैटेगराइजेशन है वो यही है। ठीक है, तो इन सब अवस्थाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि प्रत्येक स्टेज पर बालक की जो ये प्रत्येक स्टेज हैं विकास की, इनमें विकास किस प्रकार से हो रहा है और उसमें कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं हो रही है, और उसके विकास को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट है मानवीय व्यवहार का अध्ययन। किसका अध्ययन? मानवीय व्यवहार का अध्ययन, मतलब मानव का जो व्यवहार है वो प्रत्येक परिस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। प्रत्येक व्यक्ति हर परिस्थिति में अलग अलग बिहेवियर करता है, और जो उसकी आयु होती है, एज होती है, हर एज में जो भी उसकी जीवन की स्तर हैं, स्टेजेस हैं, जो अभी हमने पढ़ी विकास की अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार जो होगा वो कैसा होगा? अलग अलग प्रकार का होगा। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी कि जो भी अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है उसी के हिसाब से हम उन्हें शिक्षा भी प्रदान करें। तो इसका अध्ययन किस में करते हैं? हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बालक की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। किसका अध्ययन? बालक की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। मानसिक क्रियाएँ कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि स्मृति यानी कि मेमोरी, विचार करना, विचार थॉट्स, कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, तर्क यानी कि लॉजिक, और चिंतन। जब बालक थोड़े बड़े हो जाते हैं वो चिंतन भी करना स्टार्ट कर देते हैं, और निर्णय लेना। ये सब क्या हैं? ये सब हमारी मानसिक क्रियाएं हैं। ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है मानसिक क्रियाओं का। तो इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। व्यक्तिगत भिन्नताएं, जैसा कि हमने अभी पहले भी पढ़ा,
अपनी लास्ट वीडियो में व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में। क्या होती हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं? कि प्रत्येक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से अलग होता है वो कहलाती हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं। संसार में कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते, उनमें भिन्नताएं ज़रूर होती हैं, चाहे वो शारीरिक भिन्नता हो चाहे मानसिक भिन्नता हो, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की उनमें भिन्नताएं होती हैं। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये दो व्यक्ति जो हैं वो बिल्कुल समान हैं। तो इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की जाती है। किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ये प्रयास भी हम इसी में करते हैं। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य एवं असामान्य व्यवहार का अध्ययन। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान में हम बालक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करते हैं कि उसका मेंटली जो हेल्थ है वो कैसी है, अच्छी है या बेकार है। अगर बेकार है, उसमें कुछ कमी है, तो उसमें सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य में। कभी कभी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य वातावरण के कारण भी बिगड़ जाता है। मान लीजिए अगर घर में पेरेंट्स हैं, उनमें आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा? उनके बच्चों पर पड़ता है। बच्चे जो हैं वो मानसिक, उनमें हीन भावना आ जाती है, मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं तरह तरह के। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ वातावरण की वजह से। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे किसी से बोलना पसंद नहीं करते, उन्हें अलग थलग रहना अच्छा लगता है, देखने में ऐसा लगता है मानो वो समाज से आस पड़ोस से बिल्कुल अलग हो गए हैं, ठीक है, उन्हें उस चीज़ में कुछ, उनसे कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसे हो जाते हैं बच्चे। तो ये कैसा व्यवहार होता है? ये होता है असामान्य व्यवहार, यानी कि सामान्य व्यवहार से अलग जो भी व्यवहार होगा उसे हम क्या कहेंगे? असामान्य व्यवहार कहेंगे। तो इन चीज़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान इनका अध्ययन करता है और असामान्य व्यवहार को सामान्य बनाने का प्रयास भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। अधिगम यानी के सीखना, अधिगम को हम सीखना भी कहते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान ये कोशिश करता है कि अधिगम की प्रक्रिया को किस प्रकार से तीव्र किया जाए और अधिगम के मार्ग में आने वाली जो भी बाधाएं हैं उनको कैसे पहचाना जाए और उनका निवारण किस प्रकार से किया जाए, जिससे कि अधिगम की प्रक्रिया में कोई भी रुकावट ना आ सके। ठीक, नेक्स्ट है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है व्यक्ति पर। सबसे पहले तो वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें, उसके बाद जितने भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें जो आदतें निर्मित होती हैं, उनमें से कुछ आदतें तो वातावरण पर निर्भर होती हैं और कुछ होती हैं उनके माँ बाप के जीन्स पर। तो माँ बाप की जो क्वालिटीज़ डिसक्वालिटीज़ हैं वो बच्चों के अंदर आ जाती हैं। किसकी वजह से? वंशानुक्रम की वजह से। और वातावरण का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया माता पिता के झगड़ों का। ठीक है, तो जैसा उन्हें वातावरण मिलता है वैसा ही उनका मानसिक स्थिति हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों का अध्ययन। शिक्षण विधियाँ यानी कि जब, मान लीजिए जैसे शिक्षक को जब प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि टीचर ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उस समय उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों से अवगत कराया जाता है, उनके बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे कि प्रत्येक भावी शिक्षक को इस बात का पता चल सके कि हम भिन्न भिन्न आयु के बच्चों को और भिन्न भिन्न मानसिक स्थिति के बच्चों को किस प्रकार से और किन किन शिक्षण विधियों के द्वारा पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षण विधियों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? मनोविज्ञान के, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन। किसका अध्ययन? एक सेकंड, शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन। शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन भी हम किसमें करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं और उनको दूर करने के प्रयास करते हैं। शैक्षिक समस्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि अनुशासन की समस्या, बच्चे अनुशासन में नहीं रहते, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बावजूद भी वो अनुशासनहीन हो जाते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याएं और सीखने में आने वाली समस्याएं, तो ये सब समस्याएं कैसी हैं? शैक्षिक समस्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है निर्देशन व परामर्श। शिक्षा मनोविज्ञान हमें निर्देशन और परामर्श के बारे में भी बताता है। इसका अध्ययन भी हम शिक्षा मनोविज्ञान में ही करते हैं। निर्देशन क्या होता है? जब हम लोग व्यक्ति को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं निर्देशन को गाइडेंस और परामर्श को काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बालक को जब हम निर्देशन प्रदान करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो अपने आने वाले जीवन में सुचारू रूप से अपनी जीवन शैली को चला सके और
जो भी आने वाले जीवन में विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके, वो उनसे भागे नहीं, अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जो गाइडेंस होती है यानी कि निर्देशन, वो हमेशा ग्रुप में दिया जाता है, ग्रुप में और इंडिविजुअली, दोनों प्रकार से, ग्रुप में भी दिया जाता है और इंडिविजुअली भी दिया जाता है क्या, निर्देशन। लेकिन जो परामर्श होता है वो हमेशा इंडिविजुअली ही दिया जाता है, ठीक है। ये हम एक व्यक्ति को देते हैं, और निर्देशन जो है वो हम ग्रुप में भी प्रदान कर सकते हैं और किसी सिंगल व्यक्ति को भी दे सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों का अध्ययन। किसका अध्ययन? विशिष्ट बालकों का अध्ययन। अब ये विशिष्ट बालक कौन होते हैं? विशिष्ट बालक हम उन्हें कहते हैं जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, ठीक। सामान्य बालकों से अलग जितने भी बालक होते हैं वो कहलाते हैं विशिष्ट बालक। उसमें हम निम्न मानसिक स्तर के बालकों को भी रख सकते हैं, उच्च मानसिक स्तर के बालकों को भी रख सकते हैं, ठीक है। और जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार की मेंटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं उन बच्चों को भी हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ही रखते हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि सामान्य बालकों से अलग जितने भी बालक हैं उनको हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट है व्यक्तित्व तथा बुद्धि का अध्ययन। अब हम इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि व्यक्तित्व जो है किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार का होता है, और व्यक्तित्व का मापन करने के लिए किन 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 परीक्षणों का निर्माण किया गया है, और उन परीक्षणों को हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से बुद्धि के लिए भी यही इसी बात का अध्ययन किया गया है कि बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, और इस क्षेत्र में किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किया है। जब हम व्यक्तित्व का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में नाम आता है सिगमंड फ्रायड का। उन्होंने मानव मन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। इसी प्रकार से जो जुंग थे, जुंग भी एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी व्यक्तित्व को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व पर काम किया और बहुत ही अच्छा काम किया। और बुद्धि के क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं जैसे कि बिने साइमन, उन्होंने भी बुद्धि के परीक्षण बनाए हैं जिससे कि बुद्धि को मापा जा सके। इनके अलावा और भी परीक्षण हैं और भी बातें हैं जो हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।